हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्रा का जून माह का मासिक परीक्षा 2024 का ऑफिशियल परीक्षा रूटीन जारी कर दिया गया। मतलब मंथली जो टेस्ट होता है आपका, उसका परीक्षा रूटीन जारी कर दिया गया। आप सभी का जो परीक्षा है ना, यह 21 जून से लिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा 21 जून से, इसका लास्ट डेट जो है यह 29 जून तक, मतलब 21 जून से 29 जून तक आपका परीक्षा आपके ही विद्यालय में चलेगा, ठीक है। जिस विद्यालय में आपका कक्षा 12वीं में नामांकन है, प्रथम पाली का परीक्षा सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक होगा और द्वितीय पाली की परीक्षा 8:30 बजे से 10 बजे तक होगा। अभी मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका ये परीक्षा लिया जाएगा। 21 तारीख को इंटर साइंस वाले बच्चे का फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। उसी प्रकार से इंटर कॉमर्स वाले बच्चे का इंटर्नशिप का एग्ज़ाम प्रथम पाली में होगा और कॉमर्स वाले बच्चे का सेकेंड पाली में अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इंटर आर्ट्स वाले बच्चे का फिलोसफी का एग्ज़ाम प्रथम पाली में होगा और द्वितीय पाली में यहाँ पे इन पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा। मतलब आर्ट्स वाले बच्चे का प्रथम पाली में फिलोसफी का और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 21 तारीख के बाद डायरेक्ट 24 तारीख का एग्ज़ाम, मतलब ना आपका 22 तारीख एग्ज़ाम है ना 23 तारीख एग्ज़ाम है, 2 दिन आपका बीच में छुट्टी है, ठीक है। और डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा 24 तारीख के। 24 तारीख के जो एग्ज़ाम होगा आपका, यह इंटर साइंस वाले बच्चे का प्रथम पाली में मैथमेटिक्स का, द्वितीय पाली में बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो प्रथम पाली में 24 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा इंटर आर्ट्स वाले बच्चे का, जो मैथमेटिक्स मतलब मैथ लिया रहता है उनका होगा, और द्वितीय पाली में फिर कॉमर्स वाले बच्चे का बिजनेस स्टडी का और आर्ट्स वाले बच्चे का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये 21 तारीख और 24 तारीख का परीक्षा रूटीन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 24 के बाद फिर 25 तारीख का एग्ज़ाम होगा इंटर साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे। सारे छात्रों का प्रथम पाली में इंग्लिश का एग्ज़ाम रहेगा, द्वितीय पाली में हिंदी का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। इस दिन बहुत सारे स्टूडेंट आपके विद्यालय में रहता है क्योंकि इस दिन बदलाव नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 26 तारीख का फिर आपका एग्ज़ाम होगा। 26 तारीख का जो छात्र उर्दू लिए रहते हैं या मैथिली लिए रहते हैं या संस्कृत लिए रहते हैं, उनका प्रथम पाली में उर्दू, मैथिली या संस्कृत का परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा द्वितीय पाली में इंटर आर्ट्स वाले जो बच्चे होंगे उसका साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा यानी मनोविज्ञान का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपका 26 तारीख के बाद 27 तारीख का एग्ज़ाम होगा। 27 तारीख का एग्ज़ाम होगा जो इंटर साइंस वाले बच्चे होंगे उनका एग्रीकल्चर का प्रथम पाली में होगा, कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनका प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स का होगा। इसी प्रकार से आर्ट्स वाले बच्चे का भी इकोनॉमिक्स का ही एग्ज़ाम प्रथम पाली में लिया जाएगा। द्वितीय पाली में केवल इंटर आर्ट्स वाले बच्चे का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का एग्ज़ाम होगा। 28 तारीख का फिर आपका एग्ज़ाम है, प्रथम पाली में हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, द्वितीय पाली में म्यूजिक का एग्ज़ाम है। यानी जिस छात्र का प्रथम पाली में हिस्ट्री होगा वह हिस्ट्री देने जाएंगे, द्वितीय पाली में जिसका म्यूजिक होगा वो म्यूजिक देने जाएंगे। उसके अलावा फिर आपका लास्ट एग्ज़ाम जो होगा ये 29 तारीख होगा, केवल 29 तारीख को इंटर आर्ट्स वाले छात्रों का जो होम साइंस लिए रहते हैं उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा का रूटीन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आपसे परीक्षा का रूटीन कैसे डाउनलोड कर सकते तथा परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा का रूटीन डाउनलोड करने के लिए और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब मासिक परीक्षा क्या होता है, इसका प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है तथा क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप लोग गूगल की किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है, सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल से सर्च करना है BSEBCARER, ठीक है। इस प्रकार से BSEBCARER या BSEBCARER.com सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर दिख जाएगा BSEBCARER.com का ऑफिशियल साइट, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए BSEB अपडेट में आप सभी को दिख जाएगा बिहार बोर्ड 12th जून मंथली एग्जाम रूटीन 2024 आउट। तो सिंपल से क्या करना है, BSEB अपडेट के इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करना है, यहाँ पे सारी जानकारी दिया गया और जानकारी के साथ साथ यहाँ पे देखिए रूटीन भी डाल दिया गया जिसे आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मासिक परीक्षा क्या होता है, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पत्र आता है, परीक्षा में फेल हो गए तो क्या होगा आपके साथ। उसके बाद यदि आप सभी को अगर डाउनलोड रूटीन करना, मतलब परीक्षा का रूटीन डाउनलोड करना है, तो सिंपल से क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, परीक्षा का रूटीन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यदि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, जैसे आपने मई महीने का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे ही इसी वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक बने रहना है, बार बार सर्च करके आते रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आसानी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर आपको इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ, मतलब परीक्षा रूटीन को दोस्तों के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ पे शेयर करना है इस सारे लिंकों का प्रयोग करके शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए इन सभी जगह पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिएगा और यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो मैं जल्दी रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।